हमें यहाँ पे इफ कंडीशन दी है और हमें यहाँ पे एक्स प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 2 वाई प्लस 3 जेड, ये आ जाएगा 3 एक्स प्लस वाई प्लस 2 जेड, और ये आ जाएगा 2 एक्स प्लस 3 वाई प्लस जेड, और इसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 6 माइनस 6 और ये 0। अगर ये कि 6 के इक्वल आ गया तो आप चेक कर लीजिए कौन सी ऑप्शंस पे सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऑप्शन ए सेटिस्फाई करेगा। देखिए अगर -4 पुट करेंगे तो -4 ये 4 कट जाएगा, और 2 पुट करने पे 6, तो ये 6 6 के इक्वल आ जाएगा। तो ए ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, आंसर आ गया एक बार।